देखिए, इस समय रूस जो है चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर की स्थिति हो गई है। क्या होता है देखेंगे आगे हम, लेकिन पहले हम इस स्टोरी को समझ लेते हैं कि क्या हुआ है वहां और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा और पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। हम समझते हैं, देखिए ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रिगोजिन, ये प्रिगोजिन कभी जो है पुतिन साहब के शेफ हुआ करते थे, रसोइया हुआ करते थे। रशिया में दो आर्मी हैं, एक रशिया की आर्मी है और एक प्राइवेट आर्मी है। तो जो प्राइवेट आर्मी है उसके ये साहब जो हैं ये उसके चीफ हैं। अब ये जो प्राइवेट आर्मी इन्होंने बनाई है पुतिन साहब ने, इस प्राइवेट आर्मी ने क्या किया है, क्योंकि ये काफी करीबी माने जाते थे इनके, तो इन्होंने क्या किया है कि जो अफ्रीका में या सीरिया में या यूक्रेन जो वॉर हुआ है इसमें एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल जो है देखा गया है। एक्चुअली ये जो प्राइवेट आर्मी है इसमें जनरली जो है जब यूक्रेन पे वॉर हुआ तो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो जेलों से निकाल के जो है इस प्राइवेट आर्मी में जो है शामिल कर दिए गए, और इस प्राइवेट आर्मी ने बहुत जगह अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि रशिया की मदद की है और रशिया के साथ लड़े हैं ये फाइटर्स। तो इन्होंने जब यूक्रेन का युद्ध लड़ा तो उस समय जो है इनका मानना यह है कि इसका जो श्रेय है वो हमको नहीं मिला। तो ये बहुत सारे इनके अंदर कुछ कह सकते हैं कि इनकी महत्वाकांक्षा है, और साथ ही साथ इनके जो कंट्राडिक्शन बने हुए हैं, इन कंट्राडिक्शन के कारण जो है इन्होंने क्या किया है, रशिया में विद्रोह कर दिया है। और रशिया के, ऐसा सुना जा रहा है कि रशिया के जो दो शहर हैं उन पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया है, जिसमें रोस्तोव जो सिटी है उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट आर्मी है इसका नाम है बैगनर आर्मी। तो ये प्राइवेट आर्मी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया मैं आपको, ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन रशिया में बनी हुई है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्राइवेट आर्मी है जिन्होंने रशिया में बगावत कर दी है पुतिन के खिलाफ, पुतिन ने जो है तुरंत ही अपने नागरिकों को एड्रेस किया, इन्होंने, पुतिन साहब ने उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कि उनको कड़ी सजा दी जाएगी, और इन्होंने जो है अपने आर्मी को ऑर्डर्स दे दिए हैं कि इनके ऊपर बमबारी की जाए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए भारत जो है, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो रशिया जो है एक हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, और ऐसे में रशिया में अगर उथल पुथल हो जाती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो काफ़ी खुश हैं, यूक्रेन भी काफ़ी खुश है, आप समझ सकते हैं। अब इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है ये तो अभी देखना बाकी होगा, लेकिन पूरे दुनिया की जो शांति है, जो पीस है, सिक्योरिटी है, निश्चित रूप से जो है इस पर असर पड़ा है, और भारत भी इस पर जो है नकारात्मक असर पड़ेगा। और कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जो है ये जो सिचुएशन बनी हुई है रशिया में ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है और अच्छी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।